जी गुड मॉर्निंग जी, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, होप सब लोग ठीक हो गए। यार हॉस्पिटल में पहुंच गया। लो जी हो गई छुट्टी, चलना हमेशा रोज का ही हो गया। जिस दिन ऊपर का श्रीनगर का रास्ता बंद करते हैं, नीचे यहाँ जाम लग जाता है। लो जी पहुंच गए घर, बताओ कैसा लग रहा है घर आके? जी गुड मॉर्निंग जी, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, होप सब लोग ठीक हो गए। तो यार इतने दिन से व्लॉग आया नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी। हमारे पापा के मामा जी बीमार हो गए थे, उनके साथ सारा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था इधर उधर, तो बस ऐसे ही है। तो आज की डेट है 5 मार्च और टाइम हो गया सुबह के 9:15। टाइम इतना हो गया फिर भी ये महाशय यहाँ पे सो रहे हैं। चलो कोई नहीं, सोना भी चाहिए। तो यार अभी भी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो अब से व्लॉग कंटिन्यू करूंगा एंड आई वांट टू से आई एम बैक बूम। तो अब से ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगा और अब मैं जा रहा हूँ सीधा हॉस्पिटल। दिखाते हैं थोड़े से विजुअल्स, नहीं विजुअल्स, हाँ दिखा दूंगा अगर जो भी हुआ। यार पता तो है कि कैसा हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तो अब से व्लॉग कंटिन्यू होगा। वैसे बाल बूल कटा दिए लड़के ने, ठीक है। तो आई एम बैक, यही बताना चाहता हूँ आज की मॉर्निंग में। और लेते करते हैं इनकी शुरुआत, लेके भोलेनाथ का नाम ओम नमः शिवाय। ये हमारा लड़का भी जा रहा है 8 तारीख को। जा रहा है 8 तारीख को तू कहाँ? गाँव। गाँव कौन सा है तुम्हारा? बहरा। तनिक जोर से बोलो। बहरा जिला लखनऊ के पास। लखनऊ जाओगे, यूपी जाओगे? हमारे लिए क्या लेके आओगे? कुछ ले आएंगे। कुछ क्या लाओगे? जो खाने वाला होगा वो ले आएंगे। पीने वाला भी ले आना, ठीक है? पीने वाला क्या लाओगे? पीने में शराब। शराब लाओगे? हाँ जी। बेवकूफ, शराब गलत है चीज। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ? अरे बोलते कोल्ड ड्रिंक ले आते। अरे चलो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं। तो तुम्हारा ट्रेन कब का है? 8 की। तो रुका लोगे एक दिन? नहीं रुकेगी। पहुंच गई जी गाड़ी तक। अब यहाँ से जाएंगे हम जौनीपुर। जानीपुर जाना यार, किसी को छोड़ना है वहां पे। किसी को क्या, दादी के छोटे भाई को और उनकी वाइफ को छोड़ना है जानीपुर। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा हॉस्पिटल दादी को लेके। ये देखो कितनी सुनसान जगह पे हमने गाड़ी लगाई है अपनी। वाह जी वाह। तो यार अब ना जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये है व्यू हॉस्पिटल की पार्किंग से। मैं जब देखा अपनी आंखों से, आंखें फटी रहेगी आज जो देखने वाला, जो क्लियर मौसम मतलब है तो बादल ही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। दिखाता हूँ आपको यार, देख के ही पता चलेगा। लो जी देखो व्यू, ये सारा नीचे, ये जो एरिया ना सारा, ये नीचे सिदरा। और सबसे सही चीज जो देखने वाली है वो ये देखो, बर्फ के पहाड़ सामने, ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। वाह। इधर बैठे बैठे ना मैं गाड़ी में आ गया, उन्होंने बोला आईसीयू में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते ज्यादा लोग, तो मैं गाड़ी में आ गया। बैठे बैठे भूख लग गई है, क्योंकि यार आया था 9:30 बजे, घर से निकला था अभी बज रहे 1। तो यार अब तभी मैंने सोचा अब नेस्कैफे से बर्गर लाके बर्गर खाया जाए। 1:30 बज गया जी, तो अभी फोन आया दादी का कि आ जाओ। मैं गाड़ी में बैठा था, आ जाओ छुट्टी हो गई है, ले लो मामा जी को। तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, मामा जी को लेता हूँ, फिर आपको भी उनसे मिलाता हूँ। लो जी होगी छुट्टी, होगी छुट्टी। चलो अब चले हम घर की तरफ। चलना हमेशा रोज का ही हो गया, जिस दिन ऊपर का श्रीनगर का रास्ता बंद करते हैं, नीचे यहाँ जाम लग जाता है सिदरा में। चला कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, पता नहीं। जब गाड़ियाँ पुल के पीछे रुकनी चाहिए, पुल के ऊपर रुक गई हैं। अब हम लोकल हैं, हमको प्रॉब्लम होती है यार। ये कोई बात नहीं हुई, ऐसे तो सब नहीं चलेगा यार। ये पता नहीं क्या सब कर रहे हैं, इतना खराब एडमिनिस्ट्रेशन है यार। देख लो भाई जाम, पूरा रोड ब्लॉक है। ऊपर का रोड अलग ब्लॉक होगा, नीचे का अलग रोड है। मेरी गाड़ी में पेशेंट है अभी नहीं, आगे मेरी वो पीछे गाड़ी लगी है, अभी ऑपरेट हुआ था कल, आज लेके आ रहा हूँ। ज्यादा यार देखो, मामा जी भी साथ हैं, इतना टाइम हो गया इसमें जाम में। देखो इतना टाइम जाम में हो गया, क्या यार मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग,
कान भाई किसी की छोड़ा किसी को क्या सब है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है यार, बहुत खराब चीज है। लो जी पहुंच गए घर, बताओ कैसा लग रहा है घर आके? यार बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, खाना भी बढ़िया है। टिक्का एडा टिक्का लगा दिया। मैं जा रहा हूँ अपने प्यारे दोस्त मनु भैया और करनैल भैया के साथ घूमने आज। यार पूरे हफ्ते से पूरा माइंड ऐसे उल्ट पुलट हुआ था, अब हम जा रहे हैं उनके साथ घूमने। ये चलो बाय, अब मिलते हैं वहां पे पहुंच के। मेरी सवारी आगे रुक ही नहीं रहे, अब इनको यहाँ बोला था रुकने के लिए, पता नहीं कहाँ रुकेंगे अब जाके। ये आगे मेरी सवारी। मनु भैया चोर, मनु भैया हेलो तो बोल दो। हेलो भाई भैया, नहीं नहीं हेलो करनैल भैया। और पहुंचे हैं जी आके हम परसराम के ढाबे पे। आज खाना नॉन वेज सिस्टम बन गया पूरा। लो जी देखो, जम्मू वालों के लिए नया आई लव जम्मू आया। इधर देख लो जमींदारा ढाबा, बिल्कुल ऑपोजिट आ जाओ तो आई लव जम्मू नया। नेशनल हाईवे 44 कश्मीर टू कन्याकुमारी, जय माता दी। हेलो, इधर फोटो खिंचाने रुके हैं मनु भैया, इंपॉर्टेंट कॉल्स। ही इज वेरी बिजी पर्सन, ही इज वेरी बिग पर्सन फ्रॉम पेट ऑल्सो। अब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी पे घूमने, घूमने नहीं घर शायद, वैसे घूमने ही जाएंगे क्या पता। पहुंचे और फिर हमारा मन करे कॉफी पीने का अपने फेवरेट कप में। देखो भाई क्या जाग बनी है, आए हाय। यार ये है ना हैंड ब्लेंडर सर रीच, ये बड़ी सही चीज़ है। क्या जाग बनी, आए हाय हाय, ये देखो। ओह चलो यार ठीक है, अब ना एक मिनट दे दो जी चटो। इसके बाद करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग यहाँ पे। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि अब टाइम हो गया जी पौने नौ, टाइम हो गया पौने नौ का। तो अब मेरे पास कुछ करने को है नहीं, अब मैं सोने लगा हूँ, मैं बहुत थका हूँ, कल भी लेट उठना है। लेकिन अब से ब्लॉग रेगुलर हो गए तो ठीक है। इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उतनी देर तक अपना ख्याल रखना, टाटा गुड बाय, गुड नहीं नाइट नहीं, ये तो आफ्टरनून में आएगा ना, नहीं मॉर्निंग में आएगा, तो मॉर्निंग सॉरी बाय।